देखिए फ्रेंड, ये मैंने मोश स्टिक कल बनाई थी तो शाम हो गई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखा पाई। और मैं इस गमले में लगाऊंगी। और ये मेरा है मनी प्लांट। ये मनी प्लांट इतना बड़ा हो चुका है तो इसके लिए मोश स्टिक की ज़रूरत है। तो फ्रेंड, मैंने ये अपनी जुगाड़ से मोश स्टिक तैयार की है। और देखिए, इसको मैं, ये गमला भी इसका छोटा है फ्रेंड, इसलिए मैं इसको इसमें लगाऊंगी, बड़े गमले में। और ये इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे मोश स्टिक लगाने से फ्रेंड, इसलिए मैंने इसके लिए मोश स्टिक बनाई है नारियल के छिलके से। तो मैं इसमें लगाने जा रही हूँ फ्रेंड इसको। तो इसमें मैं अभी देखिए इस तरह से अपनी मोश स्टिक को इसमें यहाँ से इस तरह लगाऊंगी फ्रेंड। देखिए, अब देख सकते हैं इस तरह से मैं अपनी इसमें लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने पॉलीथिन लगा दी है जिससे पानी वानी ना इसके अंदर जाए। और देखिए फ्रेंड, अब इसमें मैं मिट्टी को भर दूंगी पूरा। मिट्टी से जब मैं आधा भर दूंगी उसके बाद अपना मनी प्लांट लगाऊंगी। तो आप देखते रहना वीडियो को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब फ्रेंड ज़रूर कर देना, और कमेंट तो ज़रूर कर देना, और लाइक प्लीज लाइक तो ज़रूर करना। देखिए फ्रेंड, अब मैं इसमें इस तरह से पूरी इसके जो ये गमला है उसकी तली में मैंने इसको मोश स्टिक को रख लिया जिससे ये अच्छी तरह से रुक जाएगी। अब मैं इसमें फ्रेंड मिट्टी भर दूंगी इस तरह से। मिट्टी से मैं इसको कवर कर देती हूँ। मैं कम से कम आधा पॉट इसमें मिट्टी कर दूंगी, मिट्टी को भर दे रही हूँ। उसके बाद मैं अपना मनी प्लांट को लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से इसको दबा दबा के अच्छा सा पक्का कर दीजिए जिससे हमारी ये हिले नहीं। ठीक है, इस तरह से आप मिट्टी भर के और इस तरह से दबा दीजिए मिट्टी को। अब देखिए अच्छी तरह से हमारी ये लग चुकी है। देखिए आप, अच्छी तरह से लग चुकी है। अब मैं इसमें अपना मनी प्लांट को रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने मनी प्लांट को निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड, ऐसे मैंने मनी प्लांट को निकाला और यहाँ पर मैं रख देती हूँ। अब देख सकते हैं कितनी सारी इसमें जड़ हो चुकी हैं मनी प्लांट में। तो मैं अब इसमें लगाने जा रही हूँ इसको। और देखिए फ्रेंड, अब मैं भर दूंगी इसमें और मिट्टी जिससे इसकी, ये मनी प्लांट की जो जड़ है वो नीचे चली जाए मिट्टी के अंदर, नहीं तो हमारा मनी प्लांट खराब हो सकता है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, आगे मैं इसके मोश स्टिक पर इसको लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैंने इस मनी प्लांट की बनाई थी मोश स्टिक। ये देखिए, आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हमारे मनी प्लांट इस पर चल रहा है। आप देख सकते हैं इसने इसको पकड़ लिया है पूरा। देखिए आप, इसी तरह से ये मोश स्टिक पकड़ लेती है, पकड़ कर लेती है। देखिए इस तरह से इसको पकड़ लिया है बिल्कुल। ये देखिए, इसीलिए मोश स्टिक बनाई जाती है फ्रेंड। और इसकी वजह से देखिए पत्ते, पत्तों का साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा इसका साइज है। देखिए अब आपको ये दिखाऊंगी, यहाँ तक ही हमारी ये मोश स्टिक है, ये यहाँ तक। अब इसके बाद फ्रेंड मैंने ऐसे ही कपड़े का धागा बांध रखा है पूरे में, और वहाँ तक आप देख सकते हैं इसके पत्ते, आप देखते रहिए छोटे हो रहे हैं ऊपर जाके। देखिए आप, छोटे हो रहे हैं इसके पत्ते। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड, इसके लिए मैं नारियल की जो रस्सी लाई हूँ ना, उसको मैं यहाँ से बांध दूंगी। इस रस्सी को मैं फ्रेंड, ये है मेरे पास जो रस्सी, ये देखिए ये पड़ी है रस्सी, इसको मैं बांध दूंगी इस मनी प्लांट में, क्योंकि मोश स्टिक तो इतनी लंबी बन नहीं सकती फ्रेंड। तो मोश स्टिक यहाँ तक है, और यहाँ से ही मैं इस रस्सी को ऊपर तक बांध दूंगी। और जब रस्सी को बांध दूंगी ना फ्रेंड, तो हमारे इसके पत्ते के जो साइज छोटे हो रहे हैं मनी प्लांट के, वो बड़े हो जाएंगे। और रस्सी की पकड़ करेगा ये, इसकी स्टेम जो है रस्सी की पकड़ करेगी, तो हमारे इसके पत्ते का साइज भी बड़ा होता जाएगा। देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। तो फ्रेंड ये काम करना बहुत जरूरी है मनी प्लांट पर।
देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से हमारा मनी प्लांट दिख रहा होगा आपको, और इस तरह से मैंने मॉस स्टिक को लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड, अब ये बहुत अच्छे से हमारा मनी प्लांट ग्रोथ भी करेगा, और इसका जो पत्तों का साइज है ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी इतना है, और जब मैं आपको अपडेट देती रहूँगी इसकी मनी प्लांट के, और देखना अब इसके पत्ते बहुत बड़े हो जाएंगे। और फ्रेंड, अब मैं इसको जब पानी दूंगी ना, तो इस तरह से दूंगी पानी जो हमारी ये मॉस स्टिक गीली रहे। इस मॉस स्टिक को गीला करना है मुझे, और मुझे इसके प्लांट के अंदर पानी नहीं देना है इस तरह से। अगर आपके पास पाइप है तो उससे भी कर दीजिए, और स्प्रे है तो उससे भी कर दीजिए, स्प्रे बोतल। तो इस तरह से मैं तो अभी फ़िलहाल मग्गे से कर रही हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से इसको मैं गीला करके और अपने मनी प्लांट पे पानी देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से। तो इसकी जो मिट्टी है ये भी गीली हो चुकी है, इसके अंदर जो मिट्टी है ये भी गीली हो गई है, और हमारी मॉस स्टिक भी गीली हो गई है, और हमारे पत्ते भी बहुत अच्छी तरह से, इनको भी पानी मिल जाएगा। यहाँ से इनको पानी मिलता रहेगा फ्रेंड, यहाँ से। ये जो नारियल के छिलके होते हैं और नारियल की जो रस्सी होती है, इससे इन पत्तों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि इनकी जो ये हैं, जो यहाँ से स्टेम ये निकली हुई हैं, जो ये यहाँ से जड़ बनेंगी फ्रेंड, इनको यहाँ से ही न्यूट्रिएंट्स सारा मिलता रहेगा। जो खाद पानी हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर जो खाद पानी डालेंगे, इनको सारा यहाँ से ही मिलता रहेगा फ्रेंड, यहाँ से। देखिए फ्रेंड, तो ये है इसके मनी प्लांट लगाने का तरीका। और मॉस स्टिक पे आप ज़रूर चढ़ाइए, जिससे आपके मनी प्लांट की बहुत अच्छी से ग्रोथ होगी। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और बस आज का वीडियो यहाँ तक है। तो फ्रेंड, ये वाला जो मनी प्लांट है ये बड़े पत्तों का है, और वो वाला है जो छोटे पत्तों का है। तो फ्रेंड, मैं बहुत ही छोटी सी कटिंग लेके आई थी, बिल्कुल छोटी सी कटिंग कहीं से मिल गई थी मुझे इस बड़े पत्ते की, और देखिए मैंने इस तरह से इसको लगा लिया था, और आज देखिए कितना बड़ा हो चुका है। देखिए मैं दूर से दिखाती हूँ आपको पूरा मनी प्लांट, देखिए किस तरह से ये दीवार पर चढ़ा हुआ है फ्रेंड, ये इसने दीवार को कवर कर लिया है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए इस तरह से इसने दीवार को कवर कर लिया है। ये देखिए इसकी स्टेम दीवार में चिपक गई है। तो फ्रेंड, इसको मैं निकालूंगी, नहीं तो ये हमारी दीवार भी ख़राब कर देगा, और इसको भी मैं रस्सी पर चढ़ा दूंगी। तो फ्रेंड, इस तरह के आइडियाज आप करते रहना चाहिए गार्डन में, तो हमारे प्लांट भी अच्छे से चलते रहते हैं, और ग्रीनरी भी बनी रहती है हमारे गार्डन में, और बहुत सुंदर लगते हैं हमारे जो ये मनी प्लांट। तो फ्रेंड, एक मनी प्लांट की कटिंग से मैंने 6-7 मनी प्लांट बना लिए। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। देखिए फ्रेंड, मेरे पास बहुत ही सारे हमारे पास मनी प्लांट है, ये छोटे पत्तों के मनी प्लांट हैं फ्रेंड। देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, इसके पत्ते छोटे वाले हैं। ये देसी वाला जो होता है मनी प्लांट, वो है फ्रेंड ये देखिए, इसके साइज ही छोटा होता है। और देखिए इसके लिए भी मैंने घर पर ही बनाई थी मॉस स्टिक, देखिए। और ये फ्रेंड, मैंने जो अपनी ग्रीन नेट हटा दी है, उसकी वजह से कुछ पत्ते पीले हो गए हैं, पर ये पत्ते बिल्कुल बढ़िया हैं, ख़राब नहीं हुए हैं। कुछ दिन बाद ये ग्रीन हो जाएंगे, तो इनको नहीं हटाएंगे। जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं, जैसे इस तरह से ये पीला हो गया और यहाँ पर बिल्कुल ये ख़राब हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे, तोड़ के फ्रेंड निकाल देंगे। तो देखिए अब मेरे पास बहुत सारे मनी प्लांट हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ही यहाँ पर है। चार फ्रेंड यहाँ पर हैं ये मनी प्लांट, और ये पांचवा ये सिंगोनियम है। ये भी मनी प्लांट ही बोला जाता है फ्रेंड, ये भी बहुत प्यारा लगता है, पिंक कलर का है फ्रेंड। और इसका मैंने एक और कटिंग लगा दी है, तो हमारा दूसरा प्लांट भी बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह फ्रेंड मैं बनाती रहती हूँ।